आप सबका डे नाइट स्टडी डीएनए स्मिथ। जैसा कि हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज हम विद्यापीठ जा रहे हैं, जो कि हम आ चुके हैं और विद्यापीठ के लिए को हमने ये इस प्रकार का एक एप्लीकेशन दिया है जो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट और रिवाइज आंसर की और काउंसलिंग वगैरह को लेकर के है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपकी रिवाइज आंसर की जो है, मान लीजिए कि आपने अपने कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आप सबको पता होगा कि आपके कोर्स का आंसर क्या आया था और आप लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी। तो आज शाम तक वेबसाइट पे आप सबका रिवाइज आंसर किया जाएगा, इसमें कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था उनका भी लगभग एक हफ्ते बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो बस मैं आपको एक कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि आज शाम को आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है और एक हफ्ते के अंदर, मतलब रिवाइज आंसर की जब आज आ जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन आपके काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी हुआ है उनमें भी लगभग एक हफ्ते के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब तक आप लोग काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो तब आपको कोई समस्या परेशानी ना हो। ठीक है, तो बस यही थी आप सबके लिए अपडेट। हमने विद्यार्थी यहाँ आए तो सोचे हम यहाँ से आपको लाइव एक अपडेट दे दें। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।